Hi everyone, welcome to the new video. So this is a video regarding to our trip to Shimla. It was a very sudden trip क्योंकि एकदम से randomly plan हुआ था. So before going to the video, we will see कि कितना distance हमारे area से पड़ता है. It is approximately 190 किलोमीटर and टू व्हीलर से अगर हम जाते हैं, it takes according to Google, it gives 4 hour 41 minutes. तो कौन कौन से रास्ते या कौन कौन से cities बीच में आएंगे, let's see through the Google map. So currently we are near Kushetra Baban. So the next, very next will be Shahabad and then Ambala. After that we will move to Dera Basi, Zirakpur. Chandigarh ko cross nahi karna hai, wahi se aapko turn le lena hai towards Kalka via Pinjor, right? So Kalka pahunchne ke baad approximately हमारा काफ़ी डिस्टेंस कवर हो चुका होता है, तो हम जबली धर्मपुर से क्रॉस होते हुए आगे मूव करेंगे. कंडा घाट से होते हुए हम आगे सिटी में मूव करेंगे जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी. बीच में काफ़ी सारे मेन जो हैं सिटीज़ आते हैं, जैसे कि बारोक आ जाता है और काफ़ी सारे घाट आते हैं जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है उस तक पहुंचने से पहले. सो हमें मतलब फर्स्ट टिप हमारा ये प्लान था कि जहां तक हम इजीली ट्रेवल कर पाएंगे वहां तक हम करेंगे. अगर हमारा परवानू या सोलन तक हुआ देन वी विल स्टे देयर और हम आगे मूव कर लेंगे टुवर्ड शिमला नेक्स्ट डे, बिकॉज हम ऑलरेडी लेट निकले थे. इट वॉज 2:30 PM ऑन 24th को संडे को प्लान हुआ रैंडम. एक्चुअली उस दिन फोगी डे था बहुत ज़्यादा, सो वी वर थिंकिंग कि ओके चलो वेदर अगर खुल जाता है तो हम चल पड़ेंगे. बट 2:30 पे हम लोग मूव हुए तो पूरे रास्ते पर फोग थी टिल आई थिंक जब तक हम पिंजौर पहुँचे थे, पंचकुला पिंजौर. तो वहाँ पे हमें 24th का सन दिखाई दिया था. ओके, सो ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो 190 किलोमीटर है. शिमला पहुंचने के बाद हमने ये सोचा हो था कि हम लोग जो हैं वो विज़िट करेंगे जो मेन मेन प्लेसेस हैं, लाइक जाखू टेंपल, रिज और द माल रोड एंड स्कैंडल पॉइंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो आपको यहाँ पे जो वीडियो दिख रही है, दिस इज़ ऑन द नेशनल हाईवे 5. ये अप्रॉक्सीमेटली 3 o'clock की है व्हेन वी हैव ट्रेवल 30 minutes ऑलरेडी फ्रॉम द होम. सो दिस नेशनल हाईवे 5 गोज टुवर्ड्स अम्बाला और आगे काफ़ी सारी सिटी एंड लॉट ऑफ सिटीज़ ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी और चंडीगढ़. सो NH5 ट्रांसवर्स थ्रू दीज स्टेट्स. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 660 किलोमीटर ओवरऑल और काफ़ी सारी स्टेट्स को कवर करते हुए, लाइक पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल एज आई ऑलरेडी टोल्ड. सो दिस NH5 विल लीड अस टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन शिमला. सो ओके, सो नाउ आई थिंक इट इज़ 3:15, सो वी हैव रीच्ड अम्बाला. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दिस इज़ अ बो एंड ये जो है सो स्वर्ण द्वार जो है वो 50 ईयर्स कम्प्लीट होने पे हरियाणा गवर्नमेंट ने बनवाया था. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम सन दिखाई दिया ऑन द दिस डे ओनली, क्योंकि फुल टाइम पहले आप आगे देख चुके हो. इट वॉज टोटली फोगी, विजिबिलिटी वॉज लो. वी वर थिंकिंग कि हाँ काफ़ी ठंड होगी बट बहुत ईजिली वी ट्रेवल. तो राइट नाउ इट इज़ 3:50. तो हम लोग अभी बल्टाना पहुँच चुके हैं, दैट इज़ जीरकपुर पंचकुला. रास्ते में बिकॉज ऑफ द ट्रैक्टर रैली जो कि दिल्ली में 26 को है, तो काफ़ी सारे व्हीकल्स, कार्स, ट्रैक्टर्स काफ़ी सारे जा रहे थे विद द फ्लैग्स ऑन इट. सो नाउ वी कंटिन्यू ट्रैवलिंग टूवर्ड्स अवर डेस्टिनेशन. हमें पता नहीं था हम कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, बट एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड्स हमें सीधा जाना है NH5. सो अब बज चुके थे 4 PM, हमें अप्रॉक्सीमेटली 1.5 hour हो चुका था. एंड हेयर यू कैन सी द सेकेंड टोल प्लाजा. फर्स्ट वाला मैं कवर करना मिस हो गया, दैट वॉज अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे. सेकेंड ये जो है इसको चंडी मंदिर टोल प्लाजा भी बोलते हैं, बट आप इधर अगर देखोगे इट इज़ रिटन हिमालयन एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा. सो चंडी मंदिर जो है, टेम्पल जो है,
डेडिकेटेड टू गॉड ड्रेस ऑफ पावर जो कि 15 किलोमीटर है चंडीगढ़ से एंड इट इज़ वेरी फेमस टेम्पल ड्यूरिंग नवरात्रास बहुत सारे लोग आते हैं इधर विजिट करने टेम्पल में एंड अब जो है हम मैं आज जैसे आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वी आर ऑन द वे टूवर्ड्स कालका सो ये जो टोल प्लाजा है ये हमें लेके जाता है फ्रॉम एट पास करके जाता है फ्रॉम चंडीगढ़ टू कालका एंड कालका पहुंचने के बाद जो है उससे आगे हम लोग मूव करेंगे बट यहाँ पे आप देखो बिकॉज ऑफ रिपब्लिक डे फ्लैग्स इंडियन फ्लैग्स देखने को मिल रहे थे बिकॉज ऑफ 26 जनवरी एंड क्योंकि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली भी थी दिल्ली में होनी थी दैट्स वाई एंड ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स वी हैव कवर्ड हियर नाउ इट इज़ 4:10 PM एंड वी हैव क्रॉस्ड पिंजोर एंड कालका सो यहाँ पे आपको इस रास्ते पे आपको हिली एरिया स्टीप एरिया थोड़ा फील होने लगेगा वाइल ड्राइविंग एंड एज यू कैन सी इन द वीडियो थोड़े आपको प्लेट्यूज दिखाई देंगे और कुछ हिली एरियाज हिल्स शो होंगे नॉट ऑफ दैट टू हाइटेड बट येस यहाँ पे आपको जैसे ही आप परवानों की साइड जाएंगे बाय क्रॉसिंग कालका यू विल फील द हिली एरिया एंड नेक्स्ट एक परवानों में टिम्बर ट्रेल इज़ वेरी फेमस आई विल ट्राई कि अगर मैं उसको कवर कर पाऊँ सो लेट्स सी इफ़ आई विल बी एबल टू कवर इट समवेयर ओके सो नाउ इट इज़ 4:15 यू कैन सी अच्छा खासा सनलाइट हो गई थी एंड सर्दी इतनी नहीं थी एक चीज़ और क्योंकि हम लोग जल्दी में निकले थे एंड मोर ओवर वी डोंट हैव टाइम कि मैं मम्मा के घर जाकर मैं हेलमेट ले पाऊँ तो मेरे पास हेलमेट नहीं था सबको पता है कि अगर आप सिंगल ड्राइव कर रहे हो या डबलिंग कर रहे हो तो आप दोनों के पास हेलमेट होना बहुत ज़रूरी होता है सो नाउ वी आर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ परवानू एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड यहाँ पे आगे एक बोर्ड मेरे को दिखाई दिया था वेयर वी इट वाज रिटन टिम्बर ट्रेल सो टिम्बर ट्रेल जो है वो काफ़ी फेमस है परवानों में इट कनेक्ट्स टू हिल्स बाय अ केबल कार फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द 3D ड्रोन व्यू ऑफ द हिल्स एंड आई थिंक आई हैव नॉट टोल्ड बट येस आई हैड चाइल्डहुड मेमोरीज रिलेटेड टू परवानों So when we were crossing, I was telling to my husband my childhood memories because I stayed there. We stayed there for 1 year. I did my first standard from there only. And as you can see, full sunlight hai acche se. And this was the first time we stopped. And approximately it is around 4:40. So almost we have covered. More than 2 hours and here we have taken tea with the snacks that we brought with us and yes helmet ki kahani badi hamari matlab funny ho gayi thi actually because the place where we stopped for asking the way towards Solan towards the other ghats to wahan pe ek uncle the police wale तो हमने उन्हीं से पूछा एंड इट वाज लाइक दैट वो तो ठीक है बट आपका हेलमेट क्या है तो हम रास्ते में बहुत हंसते हुए गए इस बात पे कि जहाँ पर नहीं रुकना चाहिए था वहाँ पर जाकर पूछा बट आई ऑलरेडी टोल्ड कि अगर आप 2 या 3 जितने भी हो 2-व्हीलर पे हो हेलमेट इज़ मस्ट एंड वी ऑलवेज कैरी इट मेरे पास भी होता था बट दिस वॉज द टाइम बिकॉज द प्लान वॉज सडन एंड आई डोंट द हेलमेट विद अस सो दिस इज़ फ्रॉम द धर्मपुर टूवर्ड्स द सोलन जहाँ पे कि हम ऑलरेडी वे पूछ चुके थे फ्रॉम वेयर टू गो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं एक्चुअली वन इज़ फ्रॉम द आउटर विच इज़ द मेन हाईवे एंड जो दूसरा जो रास्ता है वो घाट से होता हुआ जाता है एंड इट वॉज़ क्वाइट सीनिक तो काफ़ी अच्छा व्यू था वहाँ पे एंड येस एक चीज़ और आई डोंट नो आप लोगों को ये हैबिट है या नहीं है बट वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग वेदर इन बस और ऑन अ 2-व्हीलर आई ऑलवेज यूज टू हैव द चेक ऑन नंबर ऑफ द व्हीकल
मेरी हमेशा ये मैं ध्यान देती हूँ कि व्हीकल जो सामने जा रहा है, आई डोंट गो टू द कंपनी या ब्रांड की कौन से ब्रांड का व्हीकल है या कंपनी का है, बट मैं नंबर ज़रूर देखती हूँ. सो वन थिंग हेयर आई फाउंड वॉज अ कार थी विच वॉज़ नंबर 1111. इनसे भी रिलेटेड एक स्टोरी है. ही वॉज हॉन्किंग सो अलॉट. यहाँ पे आप देखोगे, सो वी वर अप्रॉक्सीमेटली 53 किलोमीटर अवे एंड दिस वॉज द वे दैट वी आस्क्ड फ्रॉम द पुलिस मैन एट द सोलन बाई जंक्शन. ओके, सो हाँ, सो कार वाले की स्टोरी बता रही थी मैं. सो ये जो है वो बार बार हॉन्क करे जा रहे थे हॉर्न विदाउट एनी रीज़न. सो माई हस्बैंड गॉट इरीटेटेड एंड ही अलाउड हिम टू कम फॉरवर्ड एंड देन ही ऑल्सो स्टार्टेड हॉर्न्स. बट मैंने उनको मना किया कि रहने दो, बिकॉज आई डोंट नो कि कौन कितना हरी में हो, पता नहीं होता है. सो आप लोग बताना कि आप लोगों जब आप ट्रैवल करते हो देन व्हाट थिंग यू कीप ऑन अ चेक. आप लोग क्या देख लेते हो, लाइक बैठे हैं, जैसे ड्राइविंग जो कर रहा है वो नहीं इतना ध्यान देता, बट द साइड पर्सन तो वो कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, ध्यान दे रहे होते हैं. सो आई ऑलवेज कीप अ चेक ऑन द नंबर प्लेट ऑफ द व्हीकल्स. सो यहाँ पे आप देखोगे, यू कैन सी द सोलन वैली. साइड में रिवर भी थी विच वॉज गोइंग थ्रू. सो द व्यू वॉज वेरी गुड एंड देयर वर कलरफुल बिल्डिंग्स ऑन द हिल्स. ऐसे लग रहा था जैसे किड्स के टॉयज होते हैं. इट वॉज लाइक दैट ओनली, कि ब्लॉक्स ऐसे रख दिए हैं. सो यहाँ पे आई थिंक वी वर ऑन द वे टूवर्ड्स सोलन. या ये सोलन का ही मार्केट था. येस, सो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली इट वॉज अराउंड 4:50 और 5 o'clock एट दिस टाइम. अगेन हेयर दिस कार केम 1111. दिस मैन वॉज रियली इरीटेटिंग. ही वॉज कीपिंग हिज हैंड ऑन हॉर्न ओनली. वही बाजा आ ही जा रहा था बार 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 बार. एंड ओके, बट हुआ क्या, जितनी जल्दी यहाँ कर रहा था इतना लेट ही आगे हो गया. रीज़न बीइंग, आगे जब हम घाट पे कंटा घाट पे पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था. आप अभी देखोगे, येस हेयर बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन रीज़न एंड एट दिस पॉइंट. क्योंकि हम बाइक पे थे, बाइकर्स का ये फ़ायदा होता है कि वो जल्दी निकल जाते. मेरा यहाँ फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया था. सो यू कैन सी दी इट वॉज टाइमिंग इज़ 5:40 एंड 7 degree टेम्परेचर. सो माई फोन बैटरी वॉज लो, इट्स स्विच्ड ऑफ एंड ऑन द वे टूवर्ड्स शिमला एट वांका घाट. फाइनली वी हैड अ माइनर चलान ऑन द हेलमेट. 100 rupees ऑन द रोड वी पेड एंड 40 minutes के बाद वी कुड सी द शिमला. जहाँ पे एंड यस, इससे पहले हमने एक बारी बीच में सोचा भी स्टे करने का बिकॉज अंधेरा हो चुका था. बट वी थॉट कि ओके कोई बात नहीं, अभी 7 नहीं हुआ है. सो इट वॉज़ अराउंड 6:30 दिस वीडियो वॉज मेड. यू कैन सी ब्राइट लाइट्स, सिटी शिमला आपको क्लियरली दिख रहा था, हिल्स दिख रही थी. एंड एट 6:45, यस एट 6:45 वी रीच्ड शिमला द क्वीन ऑफ हिल्स. अब यहाँ पे आपको आगे मैंने ये अपने हस्बैंड के फ़ोन से रिकॉर्डिंग किया बिकॉज माइंड वॉज स्विच्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द लो बैटरी. तो फाइनली हम लोगों ने मतलब सोचा नहीं था दैट द सेम डे 2:30 पे निकलने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे. वी थॉट हम कहीं आउटर पे स्टे करके नेक्स्ट डे हम ट्रैवल कर लेंगे. सो हेयर ऑन द बोर्ड यू कैन सी पहाड़ों की रानी, शिमला में आपका हार्दिक स्वागत है. ओके, सो नाउ द थिंग इज़ बिकॉज हम जल्दी में निकले थे, वी हैवन्ट बुक्ड फॉर द होटल. इन बिटवीन आई चेकड ऑन ओयो एंड मेक माई ट्रिप, बट ऑल द स्टे प्लेसेस वर सीन एज सोल्ड आउट. सो वी वेस्टेड अराउंड 1.5 hours फॉर सर्चिंग फॉर अ रूम. बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी
सो इट्स अ सजेशन, प्लीज़ डू बुकिंग इन एडवांस टू अवॉइड स्ट्रेस. एंड द सेकेंड थिंग वॉज, अब हमें बाइक पार्किंग करनी थी, देयर वॉज नो सच पार्किंग एरिया, सो वी फाउंड द पार्किंग फाइनली. एंड यहाँ पे, यस, यहाँ पे एक ब्राइटलैंड होटल था वेयर वी पार्क्ड अ बाइक फॉर मीन वाइल टाइम फॉर अराउंड 1 आवर, सो दैट वी कुड सर्च फॉर द नेक्स्ट प्लेस. सो नाउ अब हम लोग जो गुरुद्वारा है यहाँ पे शिमला में, उसके पास पार्किंग एरिया है एंड वी वर गोइंग टूवर्ड्स देयर आफ्टर आस्किंग फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल की पार्किंग का है. सो वी रीच शिमला एट 6:45 एंड आई ऑलरेडी टोल्ड के एक घंटे से ऊपर हमारा वेस्ट हो गया था. सो डोंट गो फॉर ऑल दिस थिंग्स, आप अपने एडवांस में बुक करके चलो. सो दिस इज़ द गुरुद्वारा एट द बैक साइड, यू कैन सी यहाँ पे मेरे हस्बैंड बाइक पार्क करके आ गए थे एंड दे टुक 200 रुपीज़ एंड द टाइमिंग वॉज फ्रॉम 9 to 9. सो वी थॉट ओके नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट रात भर सेफ प्लेस पे रहेगी, वी कुड गेट अ स्लीप, अदरवाइज टेंशन रहती है कि व्हीकल कहीं टो ना हो जाए. सो बाइक पार्क हो चुका था, होटल हम ले चुके थे, सामान हम अपना रख चुके थे. सो नाउ वी वर हंग्री, सो हम लोगों ने फिर चाय के लिए देखा, ठीक है चाय लेते हैं, कुछ खाते हैं. यस, मीन वाइल आई वॉज वेटिंग, आई कुड सी हनुमान जी ऑन द टॉप जहाँ पे हमें अगले दिन जाना था. तो नियर बाई ओम प्रकाश भैया थे जो कि ऑमलेट करीज एंड ये सब चीज़ें बने, तो हमने उनको ब्रेड ऑमलेट के 2 ऑर्डर्स दिए थे एंड ही वॉज मेकिंग, ही वॉज नाइस पर्सन, वो हमने खाया, अच्छा था काफ़ी एंड इट वॉज़ आई थिंक 40 रुपीज़ ईच पर प्लेट. देन वी थॉट ऑफ गोइंग टू द मॉल रोड बट वी सॉ वी वर ऑलरेडी आफ्टर 9 o'clock, 9:30 हो गए थे, सो ऑल द शॉप्स वर क्लोज. देन वी डिस्कस्ड कि हम कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट डे चलते हैं बिकॉज एवरीथिंग वॉज क्लोज, सो कोई यूज़ नहीं था जाने का एंड ऑलरेडी वी वर टायर्ड. सो वी केम बैक टूवर्ड्स द रोड एंड वी वेंट टूवर्ड्स द ओल्ड बस स्टैंड जहाँ पे कि हमें टी मिली थी. यहाँ से भी दी जाखू टेम्पल हनुमान जी की जो बिल्डिंग है दैट वॉज 108 meters लॉन्ग, वो क्लियरली विजिबल हो रही थी एज यू कैन सी इन द ऑरेंज कलर हेयर. ओके सो नाउ अब हम लोग अपने रूम पे गए, रेस्ट किया एंड टाइम वॉज 10:40. सो ये हमारा रूम है, इधर की जो विंडो है इधर से बाहर का व्यू भी दिखता था. यस दिस वन. सो ओके अभी हम लोगों का ये था कि हम लोग रेस्ट करते हैं एंड टुमारो वी विल स्टार्ट आवर जर्नी.